सवाल हमें ट्विटर पर भेजा है दिल्ली से योगेश त्यागी जी ने। इनका सवाल है बीईएल पर 5,000 के ऊपर की क्वांटिटी इन्होंने ली हुई है, करीब 5739 की, और 97 के भाव पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है। बीईएल इस पर देखें तो इनकी खरीदारी के पास ही स्टॉक कारोबार भी कर रहा है 92 के पास, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी काफी ज्यादा है इस वजह से नुकसान जो है वो काफी बड़ा दिख रहा है। 30,000 के आसपास का नुकसान इनको स्टॉक में हो रहा है। क्या सजेस्ट करेंगे गौरांग, आपको बीएल कैसी लग रही है हाल फिलहाल में? तो इसमें ऑर्डर विन की भी काफी सारी खबरें आई, लेकिन काफी समय से स्टॉक एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है, 100 के ऊपर का जो लेवल है वो तोड़ नहीं रहा है स्टॉक। इतनी सारी खबरें और सेक्टर में काफी कुछ हो रहा है उसके बावजूद, ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? तो आप जब शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको धैर्य रखना चाहिए, जिसे हम अंग्रेजी में पेशेंस कहते हैं। और अगर धैर्य रखते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी कंपनी में निवेश किया है तो उसका फल आपको लंबी अवधि में बिल्कुल मिलेगा। आज ही कुछ खबरें आई थी बीएल को लेकर के, एंटी मिसाइल्स रडार सिस्टम्स, एंटी एयरक्राफ्ट रडार सिस्टम्स वगैरह को लेकर के, और कुछ ऑर्डर इनके हाथ लगे हैं। दूसरी तरफ हाल ही में जो बैंगलोर में एरो 2023 का प्रदर्शन हुआ था, वहां पर बीईएल, एचएएल और बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके साथ साथ बीईएल, काफी कुछ ऑर्डर हाथ लगेंगे। कुछ सालों पहले भारत सरकार की जो नीति में परिवर्तन हुआ था, मेक इन इंडिया और जो एफडीआई डिफेंस में खोला गया था, उसको लेकर के काफी सकारात्मक खबरें अब हुई है। और अच्छी बात यह है कि इनके पास एक बहुत ही सक्षम ऑर्डर बुक है और इनकी काबिलियत इतनी है, अनुभव इतना है कि वो ऑर्डर बुक को समय अनुसार एग्जीक्यूट भी करते हैं। एक चीज ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं तो आपकी समय सीमा 3, 4, 6 महीने नहीं होनी चाहिए, साल भर भी नहीं होनी चाहिए। 2, 2.5 साल अगर आप समय सीमा देते हैं तो ये ज्यादा उचित होगा, क्योंकि ये डिफेंस में जो भी कंपनियां काम करती है उनको अपनी ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करने की तो क्षमता है, लेकिन एक प्रोटोटाइप मॉडल बना करके उसको सभी टेस्ट से पास करते हुए मास प्रोडक्शन पे जाने के लिए समय लगता है। इस कारण आप लंबी अवधि का समय सीमा रखें, जैसे कि 2, 2.5 साल या उससे ज्यादा। हमारी खरीदारी की राय है और 125-130 के लक्ष्य है। ठीक है, इनका खरीदारी कुछ 97 के आसपास है, मौजूदा स्तर करीबन 92-93 के आसपास, लेकिन इसमें चिंता करने की बात नहीं है। 5,000 से शेयर ज्यादा है। पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि त्यागी जी ने ये जो बड़ी क्वांटिटी खरीदारी की है बीएल में, वो लंबी अवधि के लिए की होगी, ना कि छोटी अवधि के लिए, क्योंकि अक्सर लोग ये करते हैं कि छोटी अवधि में बड़ी क्वांटिटी ले लेते हैं, फिर नुकसान होता है तो उसको डिलीवरी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए शेयर बाजार में। बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। और बीएल अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा लंबे समय के लिए आपको नजरिया रखना होगा और लॉन्ग टर्म के टारगेट्स भी आपको अभी गौरांग बता रहे थे।